माई dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेज फॉर एजुकेशन मेरे प्रिय विद्यार्थियों प्यारे भाई और बहनों प्यारे साथियों प्यारे मित्रों मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेज फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हार्दिक अभिनंदन है हार्दिक स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों पिछले क्लास से में या पिछले वीडियोस में हम सभी लोगों ने एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड अर्थात ब्रिटिश काल में शिक्षा या ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली इस यूनिट को स्टार्ट किया है हम सभी लोग ब्रिटिश काल में क्या शिक्षा पद्धति थी एजुकेशन सिस्टम ने ब्रिटिश इरा इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के बारे में अर्थात सर 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में चर्चा किया जाएगा इसी को चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कहा जाता है और इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहा जाता है है आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 या ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 इसी को हम सभी लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के नाम से भी जानते हैं अर्थात चार्टर एक्ट 1813 या फिर इसी को हम सभी लोग हिंदी में सन 1813 का आज्ञा पत्र के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में हम सभी लोगों ने चार्ल्स ग्रांट के बारे में पढ़ा था रॉबर्ट विलफोर्स के बारे में चर्चा किया था तो सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में जब कंपनी का आज्ञा पत्र रिवाइज हो रहा था जब कंपनी का जो चार्टर एक्ट 1793 था वह रिवाइज हो रहा था उसका पुनरावर्तन हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वो पेश किया गया तो उसके एक सदस्य जिनका नाम था रॉबर्ट विल्वर फोर्स उन्होंने चार्ल्स ग्रांड और ईसाई मिशनरियों का समर्थन करते हुए यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ी जाए एक ऐसा सेक्शन जोड़ा जाए जिससे ईसाई मिशनरियाँ भारत में आसानी से आ जा सकें और अपने धर्म का प्रचार कर सकें पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने चर्चा किया था कि श्री रामपुर त्रिमुर्त की जो घटना होती है उस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया था और धार्मिक तटस्थता की नीत अपनाई थी उसने जो है हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सभी धर्म को सम्मान करते हुए विभिन्न प्रकार के कॉलेज, विभिन्न कॉलेज खोले थे कुछ हिंदू धर्म के लिए कॉलेज खोले कुछ मुस्लिम धर्म के लिए जैसे कलकत्ता मदरसा या बनारस संस्कृत कॉलेज इस तरह से कॉलेज खोले गए धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई श्री रामपुर त्रिमूर्ति की घटना के बाद और उस घटना के बाद जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में बंद हो गया और तभी से मिशनियाँ विरोध कर रही थी और उस विरोध में चार्ल्स ग्रांट प्रमुख थे चार्ल्स ग्रांट जो है मांग हमेशा करते रहे कि जो आज्ञा पत्र है जो चार्टर एक्ट है सत्रह में उसमें यह एक प्रोविजन किया जाए कि जो ईसाई मिशनरीज हैं वो ईसाई मिशनरीज जो है भारत में आसानी से आ जा सके और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और उन्हीं की हिमायती थे रॉबर्ट विलफोर्स जो कि पार्लियामेंट के एक मेंबर एक सदस्य रहते हैं उस समय 1793 का जब चार्टर एक्ट आ रहा था तो रॉबर्ट विलफोर्स ने इस बात को जो है पार्लियामेंट के समक्ष रखा था लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य थे जिनका नाम था रेंडल जैक्सन रेंडल जैक्सन ने इसका विरोध किया तथा तो इसका इस कारण से यह प्रस्ताव जो है स्वीकृत नहीं हो सका था सत्रह की जो चार्टर एक्ट था उसमें कोई भी धारा इस तरह से नहीं जोड़ी जा सकी क्योंकि रेंडल जैक्सन ने विरोध किया और अन्य ने भी कहा कि इस तरह का हम खतरा मोल नहीं उठा सकते क्योंकि हमने अमेरिका में जो है इस तरह का खतरा उठाया और वहाँ से जो है हमारा उपनिवेश खत्म हो गया वहाँ पे जो है हम सफल नहीं हुए तो उस तरह का कोई खतरा मोल हम भारत में नहीं लेना चाहते हैं इसलिए सत्रह के चार्टर एक्ट में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं जोड़ा गया पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था उसके उपरांत भी चार्ल्स ग्रांड जो है शांत नहीं बैठते हैं और वे इसमें लगातार लगे रहते हैं वे लगातार अपनी मांग को रखते रहते हैं उसकी उसकी सत्रह शत, सो तिरानवे के चार्टर एक्ट के बाद भी वे अपनी मांग हमेशा जो है ब्रिटेन में उठाते रहते हैं तो इंग्लैंड की मिशनरियां चार्ल्स ग्रांड के नेतृत्व में बराबर यह मांग करती रही कि मिशनरियों को भारत जाने और वहां ईसाई धर्म और शिक्षा का प्रसार प्रचार प्रसार करने की खोली छूट दे दी जाए अर्थात सत्रह का जो चार्टर एक्ट आया उसमें असफल रहे और उसके उपरांत भी लगातार इसकी मांग करते रहे इसकी डिमांड करते रहे कि मिशनरियों को भारत जाने की छूट दी जाए भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट दी जाए भारत में शिक्षा का प्रसार करने की छूट क्रिश्चियन मिशनरीज को दी जाए ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना काम कर रही थी लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज या ईसाई मिशनरियाँ भी जाना चाहती दे थी और उनका प्रमुख उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आज्ञा पत्र था वो हर 20 साल पर रिवाइज होता था तो सत्रह के बाद फिर 1813 में उसके रिवीजन की बारी आती है तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आज्ञा पत्र था जिसको हम सभी लोग चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं वो प्रत्येक 20 साल में हर 20 वर्ष के बाद उसका रिवीजन होता था तो प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा उसका पुनरावर्तन या उसका नवीनीकरण या उसका रिवीजन किया जाता था तो इस तरह से सत्रह के बाद 1813 में उस चार्टर एक्ट के रिवीजन की बारी आती है उसके पुनरावर्तन नवीनीकरण की बारी आती है तो जब सन 1813 में आज्ञा पत्र को नवीनीकरण या पुनरावर्तन हेतु तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर एक बार फिर से चार्ल्स ग्रांट का विल्बर फोर्स का जो मांग थी वो पार्लियामेंट में रखी जाती है और इस बार चार्ल्स ग्रांट और विल्बर फोर्स को सफलता मिलती है अर्थात इस बार वे जो चाह रहे थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने जाने की छूट भारत में शिक्षा प्रदान करने की छूट भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट से संबंधित कोई एक धारा जोड़ी जाए आज्ञा पत्र में तो उसमें इस बार उनको सफलता मिलती है इस अवसर पर भी विरोध होता है लेकिन घोर विरोध होने के बावजूद भी चार्ल्स ग्रांट और बिल्बर फोर्स की जो टीम होती है उस टीम को विजय प्राप्त होती है अर्थात वे जो आज्ञा पत्र था जो चार्टर एक्ट था उसमें एक प्रकार का इस तरह से धारा जुड़वाने में सफल होते हैं वे भारत में ईसाई मिशनियों को आने जाने की जो अनुमत जो है आज्ञा पत्र में दिला देते हैं भारत में ईसाई मिशनियों के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने और साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की उनको छूट या उनको अनुमत मिल जाती है सन 1813 में शिक्षा के प्रति कंपनी के उत्तरदायित्वों को निश्चित करने की दिशा में एक निश्चित कदम उठाया गया था, था जो एटीन का जो चार्टर एक्ट था उस चार्टर एक्ट में कंपनी के उत्तरदायित्व को निश्चित करने की दिशा में एक निश्चित कदम उठाया गया और वो कदम क्या था देखिए 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को भारत पर शासन करने संबंधित आज्ञा पत्र का रिवीजन या नवीनीकरण किया गया तथा अधिनियम की धारा 43 में प्राविधान किया गया कि कंपनी द्वारा अर्थात जो 1813 का चार्टर एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1830 उसकी जो सेक्शन 43 था जो धारा 43 था उसमें कंपनी ने उसमें जो एक प्राविधान किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और जिसके द्वारा भारत में शिक्षा प्रदान करने का कार्य या शिक्षा देने की उत्तरदायी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया और साथ ही साथ जो है इस आज्ञा पत्र के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को ईसाई मिशनरियों को भारत में जाने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत में शिक्षा का प्रचार करने की उनको अनुमत मिल जाती है आर्टिकल 43 जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का उसमें कहा गया कि इट शैल बी लॉफुल फॉर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू डायरेक्ट दैट ध्यान दीजिएगा क्या लॉफुल है क्या डायरेक्ट करना है A sum of not less than one lakh of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction or and promotion of knowledge of the science among the inhabitants of British territories of India. इंडिया ध्यान दीजिए कि जो आर्टिकल 43 में बात कही गई वो क्या कहा गया कि ऑफ नॉट लेस देन लाख इन ईच ईयर बी सेट अर्थात हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कम से कम एक लाख रुपया जो है वो अलग रखा जाए और उसको जो है भारत में शिक्षा पर खर्च किया जाए एंड अप्लाई टू द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिटरेचर एंड द इंकरेजमेंट ऑफ द लर्न लर्निव ऑफ इंडिया अर्थात वो उस एक लाख रुपए का जो प्रयोग हो भारत में जो लिटरेचर है उस लिटरेचर को इम्प्रूव करने में उसके पुनरुत्थान में खर्च किया जाए और साथ ही साथ जो विद्वान हैं उन विद्वानों के उन विद्वानों को इंकरेज करने के लिए उन विद्वानों को उत्साह उत्साहवर्धन देने के लिए उस पर खर्च किया जाए साथ ही साथ एंड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंस एमोंग द इनहबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया अर्थात ब्रिटिश भारत में जो लोग निवास करते हैं उन निवासियों के अंदर विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रारंभ और विज्ञान संबंधी ज्ञान के संवर्धन हेतु इस धन का इस पैसे का खर्च किया जाए तो इस तरह से जो है जो आर्टिकल 43 था या सेक्शन 43 था चार्टर एक्ट अठारह का उसमें यह प्रावधान किया जाता है कि कम से कम एक लाख रुपए भारत के विद्वान निवासियों के उत्साहवर्धन एवं साहित्य के पुनरुत्थान व विकास के लिए तथा तो ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर निवास करने वालों में विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ व प्रवर्धन हेतु पृथक से व्यय किए जाए ये सेक्शन 43 था चार्टर एक्ट 1813 का और यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें सीधे सीधे कहा जाता है कि प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपए भारत के विद्वान निवासियों के उत्साहवर्धन एवं साहित्य के पुनरुत्थान व विकास के लिए तथा ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर निवास करने वालों में विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ व प्रवर्धन हेतु पृथक रूप से व्यय किए जाए इस तरह से सबसे पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि भारत में वह शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का वह उत्तरदायित्व तो ले साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ईसाई मिशन यहाँ थे उनको भारत में आने जाने की छूट भारत में शिक्षा प्रदान करने की छूट भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमत अट्ठारह के आज्ञा पत्र के द्वारा मिल जाती है सन 1813 के आज्ञा पत्र या चार्टर की धारा 43 या 43 की को के इतिहास में अत्यंत इसका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।, है यह धारा चार्ल्स ग्रांट तथा फोर्स द्वारा अनेक वर्षों तक निरंतर चलाए आंदोलन की विजय का परिणाम होती है जो सेक्शन एटीन थर्टीन के चार्टर एक्ट में जोड़ा जाता है उस चार्टर एक्ट के द्वारा जो चार्ल्स ग्रांट और विल्बर फोर्स सत्रह से लेकर के क्या उसके पूर्व जब जो है श्रीराम पुत्र मूर्त का विरोध होता है जब ब्रिटिश भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी जाती है तब से चार्ल्स ग्रांड जो है उसका विरोध कर रहे होते हैं और यह मांग करते रहते हैं कि भारत में ईसाई मिशनियों को जाने वहाँ पर उनको शिक्षा प्रदान कर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट दी जाए उसको अनुमति दी जाए तो वो जो मांग थी वो जो डिमांड थी उनकी 1813 -18 के आज्ञा पत्र में पूरी होती है तो इस तरह से यह धारा चार्ल्स ग्रांट तथा चलाए आंदोलन के विजय श्री का परिणाम मानी जाती है 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीयों की शिक्षा को ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व तो बताया जिसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा को एक नवीन दिशा मिली ध्यान दीजिए कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था इस चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने की तो भारतीयों की शिक्षा को ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व 1813 के आज्ञा पत्र में बताया जाता है कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी उत्तरदायित्व है कि वो भारतीयों को शिक्षित करने का काम करे भारतीयों को शिक्षा प्रदान करें और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी उस भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नवीन दिशा मिलती है तो 1813 सौ तेरह के आज्ञापति ने भारतीयों को शिक्षा भारतीयों की शिक्षा को ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व तो बताया जिसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा को एक नवीन दिशा मिलती है इसी से रिलेटेड इसी के संबंध में नुर्ला व नायक जी का एक स्टेटमेंट है एक कथन है उन्होंने कहा कि 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर्म्स अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन बाय नुरुल्ला एंड नायक तो नुरुल्ला एंड नायक का जो स्टेटमेंट है जो कथन है उन्होंने कहा कि 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 थर्टीन फॉर्म्स टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एक क्या टर्निंग पॉइंट था क्या नई दिशा में मुड़ता है इसके बारे में हम सभी लोग आगे की आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे अगले क्लास में अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे और आज के क्लास में हम सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट के बारे में चर्चा किया दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या 1813 का आज्ञा पत्र इसके पूर्व में सत्रह तिरानवे का आज्ञा पत्र आया था और हर बीस वर्ष के बाद ये चार्टर एक्ट रिवाइज होता है तो जब 1813 का आज्ञा पत्र या चार्टर एक्ट रिवाइज होता है तो उसमें विल्वर फोर्स और चार्ट्स ग्रांट को सफलता मिलती है उनकी जो डिमांड थी उनकी जो मांग है वो पूरी की जाती है और चार्टर एक्ट के सेक्शन 43 में एक धारा जोड़ी जाती है और जिसमें कहा जाता है कि कम से कम एक लाख रुपए का प्रावधान किया जाए जो भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने भार, और जो विद्वान हैं उनके ऊपर खर्च किया जाए जो साहित्य है उसके पुनरुद्धार पर खर्च किया जाए और विज्ञान की शिक्षा ब्रिटिश भारत के निवासियों को प्रदान करने के ऊपर खर्च किया जाए तो आज हम सभी लोगों ने अठारह के आज्ञा पत्र के बारे में चर्चा किया थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स टू तो ऑल ऑफ यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आर प्यारे भाई और बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्किल में मित्रों के साथ सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और साथ ही साथ जो भी आपका यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे वैल्यूएबल सजेशन्स होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो आल्सो सब्सक्राइब द चैनल आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियो को आसानी से प्ले में जा करके सर्च कर पाएँ आसानी से ढूंढ पाएँ इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है उस आइकन को प्रेस करिए उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा तो प्यारे भाई और बहनों प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो आलसो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू